वॉट वाटर विंग, वॉट वाटर विंग इस प्रकार से कंप्लीट रहेगा। बीच में 1 से 1.5 फीट मैरी किया हुआ, यहाँ पे हमने मोटा रस्सी ले लिया है। ये पॉट है, इसके ऊपर प्लास्टिक पहले चढ़ाया डबल लेयर, उसके बाद एक कपड़ा लिए उसको रख के क्लोविच बांध के टाइट कर दिया है। क्लोविच बांध के बाद में रिप नॉट बांध के टाइट कर दिया है, और जो बचा कपड़ा कैंची से काट दिया गोल से। इस प्रकार से हमने 2 पॉट बनाए हैं। उसके बाद हमने एक रस्सी को डबल करके क्लोविच बांध दी यहाँ पे, उसके बाद रिप नॉट बांध दी, रिप नॉट बांध के मैरी करके फिर एक थंब नॉट बांध के यहाँ पे हमने एक गैप बना लिया, फिक्स गैप। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लो हिच बांध के बनाने का तरीका हम बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पे रिफ नॉट बांध दिए, क्लो हिच बांध के उसके बाद जो बचा हुआ रस्सी था उसको इसी में लपेट दिए, और लपेट के लास्ट में रिफ नॉट बांध के इसको ख़त्म कर दिया रस्सी को। ये पॉट वाटर विंग, ये 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा जो कि चेस्ट में इसको लगे रहेगा। इसको हम पलटी मार देंगे, ये वाला जो हिस्सा है नीचे रहेगा पानी का, इस प्रकार से नीचे रहेगा। इस प्रकार से कंप्लीट छाती का हिस्सा उस रस्सी के ऊपर रखना है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से अपने को रहना है उसके ऊपर। ये सिर्फ फ्लोटिंग डिवाइस कहलाएगा, स्विमिंग डिवाइस नहीं है, ये स्विमिंग एड नहीं है, ये फ्लोटिंग एड है। क्योंकि इसमें हाथ हम मार नहीं सकते हैं, पैर तो मार सकते हैं लेकिन हाथ नहीं मार सकते हैं। ये एक जगह रहने के लिए है। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी एक फ्लोटिंग एड है, जेरिकेन है हमारे पास। जेरिकेन में 2 बम्बू लगा के स्क्वेयर लेशिंग, 4 जगह स्क्वेयर लेशिंग हो गई है। इस प्रकार से बीचों बीच नज़दीक में इस प्रकार से बनाया, और बीच में हमने गैप दिया 1 से 1.5 फीट का। और क्लोहिच से शुरू होकर क्लोहिच से ही ख़त्म हुआ है, और दोनों क्लोहिच अंदर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका जेरिकेन का फ्लोटिंग हेड बन गया है। थैंक यू। और ये सामने देख रहे हैं वो भी तरीका वही है। इसके वाटर बॉटल बेल्ट कहेंगे, जो कि हमें तैरने में भी मदद करेगा चेस्ट पे लगाने के बाद। तो इसे हम स्विमिंग एड कहते हैं, इसे स्विमिंग एड। इसे बेल्ट की तरह बोतल का जो मुंह है उसको नीचे रखेंगे ताकि पानी ना घुस पाए इसमें, क्योंकि वह हिस्सा हमेशा पानी के अंदर रहता है। तो जब ढक्कन से लीकेज भी होगा तो पानी अंदर नहीं घुस पाएगा। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए थर्माकोल भी अंदर डाले हैं ताकि पानी घुसे तो कम मात्रा में ही घुस पाएगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी मात्रा में पहले से ही थर्माकोल है जो कि हल्का होता है। बायोंसी हमारा बने रहेगा और डूबने नहीं देगा पानी घुसने के बावजूद भी। थैंक यू। और ये पॉट वाटर फ्लोटिंग एड है यहाँ पे। ये 2 बम्बू का यूज़ करके हमने ये राउंड लैशिंग करके इनर में क्लोइज से शुरू किया हुआ है, और इनर में ही क्लोइज बांधेंगे दोनों तरफ। और 4 बार राउंड लैशिंग हुई है, बीच में हम 1 से 1.5 फीट का छाती के साइज के अनुसार गैप भी दिया है। ये फ्लोटिंग एड है, जबकि पॉट वाटर का यहाँ पे विंग है, पॉट वाटर विंग है, और वहाँ पे हॉट वाटर आपका फ्लोटिंग हेड है। ये यहाँ पे आपका और देख ले वाटर कैन बेल्ट है, और ये फाइबर ब्लॉक को भी हमने फ्लोटिंग हेड बना दिया है चारों ओर से बांध के। इस प्रकार से कई सारी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम तैरने की चीज़ें इम्प्रोवाइज्ड तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद।